देश में सबसे अधिक नया कोल्ड रिजर्व छत्तीसगढ़ में मिला है। हाल में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल के भीतर 12,226 मिलियन टन कोल्ड रिजर्व का पता चला है। हालांकि कुल कोल्ड रिजर्व के मामले में झारखंड अब भी देश में पहले स्थान पर है। झारखंड में 2450 मिलियन टन कोल रिजर्व का पता चला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ की खदानों में सबसे अधिक 127.09 मिलियन टन व झारखंड में 113.01 मिलियन टन कोयला निकाला गया था। छत्तीसगढ़ में 2018 में कोल रिजर्व 57,206 मिलियन टन था। यह बढ़कर 69,442 हो गया है। यहाँ कोयले के कई नए भंडार मिले हैं। कुल कोल्ड रिजर्व में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। झारखंड में कोयले का कुल भंडार 85,602 मिलियन टन का है। 2018 में यह 83,152 मिलियन टन था। देश में 3,44,021 मिलियन टन कोयला होने का अनुमान है। पिछले 3 साल में उड़ीसा में कोयले के भंडार में 5,357 मिलियन टन की वृद्धि हुई। यहाँ 2018 में 80,840 मिलियन टन भंडार था। यह बढ़कर 84,652 मिलियन टन हो गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम और असम में भी कोयला का भंडार है। यहाँ कुल 3,42,379 मिलियन टन कोयले का भंडार है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी आंशिक कोयले का भंडार है।